हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आखिरी चरणों में चुनाव होना है, तकरीबन मोटा मोटा सवा दो महीने हैं। अगर सरकार को कोई विकास के काम करने हैं, कोई नौकरियों का रिजल्ट जारी करना है, तो वो एक क्राइटेरिया किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से सरकार काम कर सकती है, आचार संहिता का उल्लंघन न हो, ये थोड़ा थोड़ा विकास के जो कार्य हैं जो शुरू हो चुके हैं वो चलते रहेंगे, पर विकास के नए काम नहीं शुरू होंगे। ठीक है, तो विकास का तो यही है। और क्या पूछा था? HPSC HSSC कोई रिजल्ट निकालने है, कोई इम्पोर्टेंट है, तो वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में अपना प्रस्ताव भेजेंगे और वो प्रस्ताव चुनाव आयोग को जाए। कोई भी चीज, कोई भी आवश्यकता है सरकार को, कोई भी काम करना है जो चुनाव आचार संहिता का संभव है उल्लंघन करता हो, तो उनको चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है। मुख्य सचिव की चेयरमैनशिप में 3 अधिकारियों की कमेटी बनी है, वो अपनी संस्तुति देगी, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर विचार।